नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये समझिए कि इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे, आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। देश में कोरोना को लेकर इस समय जब हाहाकार मचा है, तब वहीं यूपी के बस्ती से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच का अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच किए ही किट को तोड़ रहे हैं। इस बीच अलीगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यहां पर पलायन के लिए 100 परिवार मजबूर हुए हैं और पलायन रोकने के लिए अब बीजेपी मंत्रिमंडल ने इनको भरोसा भी दिया है। आप तस्वीरें देखिए यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हुए हैं और एक समुदाय पर इनका आरोप है कि ये उनके साथ मारपीट करते हैं, जिस वजह से ये अपना इलाका ही छोड़ने को मजबूर हैं। इन्होंने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की है और उन्होंने इनको कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की है। आप देखिए किस तरीके से एक समुदाय पर परेशान करने का आरोप है, मारपीट का आरोप है, और इसके बाद अब आगे कार्रवाई होगी कि आखिर विवाद क्या है, क्यों ये परिवार 100 ऐसे हिंदू परिवार हैं जो अलीगढ़ में पलायन को मजबूर हो चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दीवारों पर भद्दी भद्दी गालियां लिखी गई हैं, जिनको ये लोग छुपाते हुए भी नजर आए। ये बारात चढ़ने का प्रकरण था, उस पर 11 लोगों के खिलाफ FIR करा दी गई है। जो मुस्लिम तत्व के लोग हैं, गुंडे तत्व के लोग, उनको सजा मिलेगी, उनको जेल भेजा जाएगा। आगे जीवन में ऐसी घटना न करें नूरपुर में, इसका एक संदेश जाएगा। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? 11 लोगों के मुकदमा खिलाफ है, 5 लोग अज्ञात में। जितने लोगों के खिलाफ FIR कार्रवाई की जाए। तो मुस्लिम वर्ग के लोग बारात को चढ़ने नहीं दे रहे मस्जिद के पास। मैं बोला, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें किसी की बारात को रोकने का अधिकार किसी का नहीं है। ठीक है, ये सपा बसपा नहीं है, ये योगी की सरकार है, निश्चित बारात चढ़ेगी। मैंने तत्काल यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं मान, उनको बोला और उन्होंने तत्काल यहाँ फोर्स भेज करके बारात चढ़ा, यहाँ बारात चढ़ी। चढ़ने के बाद उसमें हो सकता, उसमें जो मारपीट हुई, हमने तत्काल कहा कि आप प्रार्थना पत्र भेजो। खुद यहाँ जो उस बिटिया के पिताजी, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमने 28 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है। फिर मैंने हमारे कार्यकर्ता थे उनसे पूछा, जब 28 को प्रार्थना पत्र पहुँचाए तो 30 तारीख की शाम को मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें 11 लोग नेम्ड हैं, निश्चित ही 5 उसमें अज्ञात हैं। मैं मतलब पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर उनकी निश्चित गिरफ्तारी होगी और जेल जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान सुरक्षा बल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि वहां एक जवान ने बाहर घूम रहे एक लड़के को पीट दिया, जिससे आसपास के लोग भड़क गए और सड़क पर ही हंगामा करने लगे। और जब उन लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई तो वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने सुरक्षा बल के कुछ जवानों को घेर कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस हमले का अंदेशा उन जवानों को भी नहीं था। हालांकि सुरक्षा बल का एक जवान उन लोगों से शांत रहने की अपील करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दिए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो चुपचाप वहां खड़े नजर आए। इस हंगामे की वजह से सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। थोड़ी ही देर में ट्रैफिक जाम होने लगा। इसके बावजूद बवाल नहीं थमा। काफी देर बाद कुछ लोगों के समझाने पर मामला शांत हो सका। यूपी के कौशाम्बी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा के रिटायर होने की खुशी में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की। ये घटना 3 दिन पुरानी है, जब दारोगा हरीश चंद्र ओझा को इलाके के लोगों ने विदाई देने का प्लान बनाया और उन्हें घोड़ी पर चढ़ाकर इलाके में जुलूस निकाला। ना तो रिटायर हो चुके दारोगा के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही भीड़ में चल रहे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर। दारोगा को विदाई देने के चक्कर में इलाके के लोग ये भी भूल गए कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। लाउड स्पीकर पर गाने चलाकर लोगों ने काफी देर तक डांस किया। कई लोगों ने रिटायर हो चुके दारोगा को मालाएं भी पहनाई। दारोगा के रिटायर होने की खुशी में निकाला गया इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो गया।
उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर में ही बच्चों पर खतरा बढ़ने लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि अकेले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दायरे में बच्चे बहुत तेजी से आ रहे हैं और बीते मई महीने में ही वहाँ 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की जद में आए हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे कोरोना से बीमार पड़े जबकि 1 से 12 साल की उम्र के करीब 2700 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 12 से 18 साल की उम्र वाले 6,000 बच्चे कोरोना की गिरफ्त में आए। इसके बाद वहां प्रशासन ने बच्चों को दूसरी लहर से बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी। स्पेशल वार्ड जो है पेडियाट्रिक वार्ड बनाने का हमने प्रोविजन किया है, जो भी मेडिसिन इसके लिए लगेंगे उसके लिए प्रावधान करने की हमने तैयारी। देश में कोरोना को लेकर इस समय जब हाहाकार मची हुई है तब वहीं यूपी की बस्ती से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आरोपी की बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच का अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच किए ही किट को तोड़कर रख रहे हैं, जिससे ये साबित किया जा सके कि उनका टारगेट पूरा हुआ। कोरोना जाँच किट की बर्बादी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि बिना जाँच किए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच किट को तोड़कर रख रहे हैं ताकि वो ये दिखा सके कि उन्होंने गांव के लोगों की कोरोना जांच पूरी कर ली है। इस धोखेबाजी के लिए आरोपी कर्मचारी फर्जी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से गांव के लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए आरोपी कर्मचारी एक जगह बैठ गए और वहीं कोरोना किट को तोड़कर जाँच पूरी होने का फर्जीवाड़ा करने लगे। इस बीच वहाँ मौजूद एक आदमी ने इस घटना का वीडियो बनाया जिसके वायरल होने के बाद प्रशासन तक इसकी खबर पहुंची और इसके बाद डीएम ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। क्या कुछ है मामला, क्या कुछ कर रहा है? वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बीते कुछ दिनों से फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों से दो चार हो रही पुलिस के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि उसने डंडा चलाना शुरू कर दिया। पेरिस में शरणार्थियों और बेघरों को रहने की जगह दिलवाने के लिए काफी वक्त से प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी कड़ी में सैकड़ों लोग एक बार फिर पेरिस के एक मशहूर चौक पर जमा हो गए। उनसे निपटने के लिए पुलिस भी वहां तैनात दिखी लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस ने आक्रामक अवतार अपना लिया और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध पेपर स्प्रे की बारिश कर दी। मिर्च की मार पड़ते ही लोग तितर बितर हो गए लेकिन जो तब भी टस से मस नहीं हुए पुलिस उन पर ताकत आजमाती दिखी। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं, कुछ लोगों की आंखों से जलन मिटाने के लिए आई ड्रॉप्स भी डाली गईं। केंद्र सरकार ने साफ किया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दो डोज के शेड्यूल में ना तो कोई बदलाव किया गया है और ना ही दोनों को मिलाकर देने की चर्चा है। कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो दो डोज का शेड्यूल है, कोवैक्सीन का भी दो डोज का शेड्यूल है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दुल्हन ने अपनी शादी की खुशी में खुलेआम फायरिंग की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया जो 30 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दुल्हन जयमाल से पहले हवा में गोली चलाती दिखी। इससे पहले वो अपने करीबियों के साथ मंच के पास पहुंची जिसके बाद दूल्हे ने उसके बाएं हाथ को थाम लिया। इसी बीच दुल्हन ने अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ मंच पर चढ़ गई और शादी की बाकी रस्मों को उसने अदा किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां केमिकल से भरे एक टैंकर और ट्रक में टक्कर के बाद उनमें भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग बुरी तरह झुलस गए क्योंकि आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। टैंकर में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली। रात के अंधेरे में दोनों गाड़ियां आग के दो गोलों जैसे दिखाई दी। उनसे उठती ऊंची ऊंची लपटों को देखकर वहां लोग इकट्ठा हुए लेकिन कोई इस आग को बुझा नहीं सका। इस हादसे में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश हुई तो कहीं ओले भी गिरे, जिसकी कुछ तस्वीरें कुपवाड़ा से भी सामने आई, जहां तेज बारिश के साथ अचानक ओले गिरने लगे। इन हालात में घरों से बाहर मौजूद लोग समझ नहीं पाए कि वो सिर छिपाने के लिए कहां जाएं। वहां सड़क पर पानी के साथ बिखरे ओलों को देखकर ऐसा लगा जैसे कपड़े धोने का सफेद पाउडर फैला हो। कुछ इसी तरह बारामूला में भी ओले गिरे। वहां मौसम के अचानक बदले मिजाज से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कई जगहों पर सेब की फसल बर्बाद हो गई। राजधानी श्रीनगर से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें दिन में ही अंधेरा छा गया।
लोगों के लिए हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना मजबूरी बन गया। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी और कुछ इसी तरह के हालात का सामना बिहार की राजधानी पटना के लोगों को भी करना पड़ा, जहां बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से पटना के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। पेड़ों की टहनियां और पत्ते ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हल्का फुल्का खिलौना हो। हवा की रफ्तार का अंदाजा जगह जगह टूट कर गिरे पेड़ों से ही लगाया जा सकता है। लोगों का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया। एक जगह तो तेज हवा और बारिश की वजह से बीच रास्ते में दो बैरिकेड गिरे मिले। इन हालात में लोगों को ड्राइविंग करने में भी काफी दिक्कत हुई। आसमान में काले बादल छाए रहे, जिस वजह से गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। पढ़ाई पर एक 6 साल की बच्ची की गुहार सुनने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक 6 साल की बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बड़ी मासूमियत के साथ प्रधानमंत्री मोदी से अपनी लंबी चलने वाली ऑनलाइन क्लास की शिकायत करती नजर आई। साथ ही वो ज्यादा होमवर्क मिलने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करती दिखी। छोटे बच्चों जो होते हैं, जो 6 साल होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। बच्ची की गुहार सुनने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को एक खत लिखकर इस पर 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया। मुक्केबाज संजीत कुमार ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जिस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। जम्मू में ऑटो यूनियन ने कोरोना मरीजों और उनके परिवार वालों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा उठाया। मानवता की सेवा, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पद संभाल लिया। कोरोना संकट के बीच लोगों को अब महंगाई भी सताने लगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ अब खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तेल, दाल और चाय पत्ती जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, उससे लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में फिलहाल सरसों तेल की कीमत करीब 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 140 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मूंग दाल की बात करें तो उसके दाम में करीब 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने मूंग दाल की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर 170 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं उड़द दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के सामने अब खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। हालांकि इस बीच कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट भी आई है। दाल समेत खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि सरकार एग्रीकल्चर सेस या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में किसी एक को या दोनों को घटाने पर विचार कर रही है, ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। सूत्रों के मुताबिक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा भी खत्म कर दिया था और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा गया था। मसूर, काबुली और चना जैसे दालों पर अभी 10% ड्यूटी लगती है। इसके अलावा 20 से 50% तक एग्रीकल्चर सेस लगाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक दालों के आयात में तेजी लाने के लिए सरकार ये कटौती करेगी, ताकि बड़ी मात्रा में दाल की आयात को और कीमतों में कमी आए। पूरी दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन की मिसाइल इंडस्ट्री पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाले चीन की मिसाइल इंडस्ट्री कई तरह की गड़बड़ियों का शिकार है। एक रिसर्च में दावा किया गया कि चीन की मिसाइल इंडस्ट्री ने भले ही पिछले 20 साल में काफी तरक्की की हो, लेकिन इस मामले में अभी भी वो कई देशों से पीछे है। रिसर्च के मुताबिक ऐसी खामियां हैं जो चीन में नई मिसाइलों के डेवलपमेंट में रोड़ा बन रही। यही नहीं, चीन ने हथियार बनाने वाली कंपनियों में बार बार बदलाव किया है और इस वजह से भी उसके मिसाइल कार्यक्रम के लिए दिक्कतें पैदा हुई। इस रिपोर्ट में चीन की मिसाइल इंडस्ट्री में योग्य लोगों की कमी होने और काम करने वालों को कम वेतन दिए जाने का भी जिक्र किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। वहां 41 दिन बाद कोरोना के नए आंकड़े 10,000 से नीचे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,424 नए मामले सामने आए, जबकि 137 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं एक दिन में 17,722 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में टेस्ट किया गया। पश्चिम बंगाल में इस समय कोरोना का
पॉजिटिविटी रेट 14.5% है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना संकट के बीच वहां के जाने माने बेथपेज एयर शो का आयोजन हुआ। पिछले साल महामारी की वजह से यह सालाना एयर शो रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस साल न्यूयॉर्क के जोन्स बीच स्टेट पार्क पर एक बार फिर अमेरिकी सेना के विमानों ने करतब दिखाए। इस एयर शो में वायुसेना के थंडरबर्ड्स ने आसमान में एक साथ उड़ान भरकर सबको हैरान कर दिया। तो वहीं वहां की एक मशहूर एरोबैटिक टीम ने दूसरे विश्व युद्ध के 6 लड़ाकू विमानों के साथ आसमान में हैरतअंगेज करतब कर खूब चर्चा बटोरी। इस एयर शो को देखने के लिए समंदर किनारे लोगों का हुजूम नजर आया, जिन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसका खूब आनंद उठाया। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम 2022 में शादी कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगले साल शादी कर सकते हैं। खबर है कि उन्होंने अपने चाचा की बेटी से सगाई भी कर ली। दिल्ली पुलिस ने एक पहल करते हुए जॉब फेयर का आयोजन किया। पुलिस ने पहले 55 युवाओं को 10 दिन तक मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ट्रेनिंग दी, क्योंकि कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इसी क्षेत्र में है। पुलिस की इस पहल के बाद इस जॉब फेयर में 4 कंपनियां पहुंची, जिन्होंने इन युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी। मेडिकल फील्ड में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इनको तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। वो हाल में कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन अब इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा में एक मकान से संदिग्ध हालात में एक लड़के और लड़की का शव मिला। बताया गया इन दोनों शवों पर गोली के निशान थे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण से जुड़ा कानून संविधान के दायरे में नहीं बनाया था। कानून ही ऐसा बना है जो कोर्ट के दायरे में चैलेंज होने के बाद में भी उसको वो ठीक से रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार कानून की पैरवी करने में कमजोर रही। उसको सही तरीके से सही मायने में कोर्ट के सामने दलील के स्वरूप में रखते तो शायद आरक्षण को बचा पाते। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस कोटे में मराठा समुदाय को जोड़ने के बाद कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस ने प्रमोशन में एससी एसटी को आरक्षण देने की मांग तेज कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपनी बात पर अड़िग रहकर उसको न्याय देने की व्यवस्था करेगी। पंजाब में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2184 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लुधियाना से कोरोना के 222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 94 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बठिंडा में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई। वहीं एक दिन में 5,039 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में टेस्ट भी किया गया। जयपुर में समाज सेवी हाजी रफाउत अली के जनाजे में कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया, क्योंकि उसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद 11 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया। हाजी रफाउत जब जिंदा थे तो उन्होंने कोरोना नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जब उनका जनाजा निकला तो उसी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गईं। समाज सेवी होने के नाते हाजी रफाउत अली लोगों से अपील करते थे कि वो कोरोना निर्देशों को माने, लेकिन उनके अपने जनाजे का जो वीडियो वायरल हुआ उससे हड़कंप मच गया, क्योंकि उसमें 10-20 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। आलम यह था कि उस समय ना किसी को ठीक से मास्क पहनना याद रहा, ना एक दूसरे से दूरी बनाना, और तो और पुलिस वाले भी बस तमाशा देखते नजर आए, क्योंकि उनके सामने ही हजारों लोग कोरोना को दावत दे रहे थे और वो खड़े खड़े देख रहे थे। हैरानी तो इस बात की है कि जनाजे में बच्चे भी शामिल हुए, जिन्हें न ही किसी बड़े ने और न किसी पुलिस वाले ने भीड़ का हिस्सा बनने से रोका। इस बीच वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला कर दिया और उस पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा, इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। जबकि पुलिस की दलील है कि उसके लाख समझाने के बावजूद कुछ लोगों ने मनमानी की, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने समाज सेवी के जनाजे में उमड़ी भीड़ के मामले में एक विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हरियाणा के नारनौल में तेल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग को बुझाने के लिए रेवाड़ी से भी वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन तेल के गोदाम में लगी भीषण आग को नहीं बुझाया जा सका। बताया गया कि आग शाम करीब 7 बजे लगी और तेजी से फैलते हुए उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। काफी दूर से भी वहां आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई। बताया गया कि जिस गोदाम में आग लगी उसके पास में ही सरसों के तेल के कई टैंकर भी खड़े हैं। अगर गोदाम की आग वहां तक पहुंच गई तो ज्यादा नुकसान हो सकता है।
तेल के गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए पड़ोसी जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए आबकारी नीति 2021 में संशोधन किया, जिसके तहत मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑर्डर कर शराब मंगाई जा सकेगी, लेकिन शराब की डिलीवरी किसी हॉस्टल और दफ्तर में नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए होम डिलीवरी पर विचार किया था, मगर मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी आसान नहीं थी, इसलिए इस बार आबकारी नीति में संशोधन किए गए, जिसमें शराब की होम डिलीवरी वही दुकानें कर पाएंगी जिनके पास खास तरह का L13 लाइसेंस होगा। हालांकि अब तक दिल्ली में न तो कभी किसी को पहले L13 लाइसेंस दिया गया और न ही अभी ये लाइसेंस किसी के पास है, मगर ये फैसला सामने आते ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले लिया। तो आपने राशन नहीं दिया, आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, आपने इलाज नहीं दिया, लेकिन शराब देने के लिए घर घर आपने जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से दिल्ली के जले पे नमक है। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में आम आदमी पार्टी ने भी देर नहीं लगाई और उसने आबकारी नीति पर सरकार के फैसले का बचाव किया। जैसे उन्होंने MCD में पूरा का पूरा माफिया का सिस्टम बनाया था, ऐसे लगता है आबकारी नीति में भी उनके माफिया थे, और जब वो माफिया खत्म हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की उस बच्ची की अपील रंग लाई जिसने अपने होमवर्क को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सीधे पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। इस बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूली बच्चों पर दबाव कम करने के लिए बदलाव की शुरुआत की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 से 8 तक के बच्चों के लिए रोजाना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे करने का फैसला किया है। इस खबर के बाद उस लड़की ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उपराज्यपाल को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में ये छोटी बच्ची पीएम मोदी से अपनी ऑनलाइन क्लास की शिकायत करती नजर आई थी। इस बच्ची ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी पढ़ाई के बोझ की बातें की और पीएम से अपील की कि वो इसे कम करने में उसकी मदद करें। मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 साल, मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटू बच्चन जो होते हैं, जो 6 साल होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास, एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? ब्लैक फंगस की दवा और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि अगर टीके की कमी है तो सरकार घोषणाएं क्यों करती है, और अगर वैक्सीन की कमी है तो प्राथमिकता तय होनी चाहिए। आखिर 60 साल से ऊपर वालों को पहले वैक्सीन लगाने का फैसला क्यों लिया गया? हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई कि देश ने कितने युवाओं को खो दिया और सरकार ऐसे लोगों को बचाने में जुटी है जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हालांकि जज ने यह भी साफ किया कि वो ये नहीं कह रहे कि बुजुर्गों को टीका न लगाया जाए, बल्कि प्राथमिकता तय होनी चाहिए। ब्लैक फंगस की दवा पर दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने सवाल किया कि इसकी कितनी दवा किसे दी गई और इसके लिए भी सरकार नीति बनाए कि दवा की कमी के समय किनको प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान की करौली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां 2 गुटों के झगड़े में गोलियां चलने से कई लोग घायल हो गए। बताया गया जमीन विवाद के मसले पर दोनों गुटों के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद दोनों गुटों में झगड़ा हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक मोहल्ले में लोगों की भीड़ नजर आई, जिसमें कुछ लोग हाथों में लाठियां लिए भी दिखे। भीड़ के शोर शराबे के बीच अचानक वहाँ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियां चलते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर ये गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए।
कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची और उसने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। 6-7 आदमी के खिलाफ उन्होंने नाम दर्ज कर दिए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच पहले भी कई जमीन विवाद के मसले पर झगड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आने की वजह से पायलट को उसे हाईवे पर ही उतारना पड़ा। ऐसे में आम रास्ते पर हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पहुंचे बचाव दल ने सफेद रंग के इस छोटे विमान को बीच सड़क से हटाने का काम शुरू किया, जिसके लिए इन लोगों ने हवाई जहाज को किसी आम गाड़ी की तरह धक्का देते हुए एक दिशा में घुमाया और उसे खींचते हुए आगे की ओर लाया गया। एक तरफ रेस्क्यू टीम अपने काम में लगी थी, तो दूसरी ओर इस हवाई जहाज की वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग गया, जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार रास्ता खुलने का इंतजार करती नजर आई, क्योंकि जिस सड़क पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसको जोड़ने वाली सभी सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर की अफरा तफरी के बाद प्लेन दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार दिखा। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1223 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सिरसा से 124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें हिसार में सबसे ज्यादा 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं एक दिन में 3453 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में टेस्ट किया गया। हरियाणा में एक दिन में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2.93% रहा। उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुल गए, जिसकी कुछ तस्वीरें मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से भी सामने आई, जहां लोगों ने कोरोना निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दर्शन किए। हालांकि मंदिर में पहले के मुकाबले श्रद्धालु कम ही दिखे। अनलॉक होने के बावजूद भी जो श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर है वो पूरी तरीके से खाली है। मंदिर में एंट्री से पहले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। दिन गुजरने के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्तों की संख्या बढ़ गई, लेकिन कोरोना निर्देशों के पालन में कोताही नहीं बरती गई। कई दिनों बाद मंदिर पहुंचकर लोगों ने माथा टेका, लेकिन एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन की इजाज़त मिली। अच्छा लगा कि व्यवस्था बनाई हुई है इन लोगों ने। कुछ इसी तरह मिर्जापुर में मौजूद विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन मंदिर में होता दिखा। सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति मंदिर के भीतर जाएं। लंबे वक्त बाद भक्तों की मौजूदगी में मंदिर में आरती हुई। हालांकि ये मंदिर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगा, शनिवार और रविवार को इसे बंद रखा जाएगा। राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज से वहां शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये ढील उन इलाकों में दी गई जहां संक्रमण की दर 10% से कम है या ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर बेड का इस्तेमाल 60% से कम है। कोरोना कर्फ्यू में ये ढील मंगलवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं दुकान खोलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हशमतुल्ला शाहिदी अफगानिस्तान की टीम की कमान संभालेंगे। हशमतुल्ला शाहिदी अफगानिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम के नए कप्तान बनाए गए। अब तक असगर अफगान टीम की कमान संभाल रहे थे। हालांकि T20 टीम का कप्तान कौन होगा इसका ऐलान अभी नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की कई शिक्षकों ने निंदा की। ऐसे 600 से ज्यादा प्रोफेसरों और शिक्षकों ने एक बयान जारी किया और बंगाल सरकार से संवैधानिक नियमों का पालन करने को कहा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक रिटायर्ड पुलिस वाले पर एक बच्चे को बांधकर पीटने का आरोप लगा। बिहार के गोपालगंज में गरीबों को दिया जाने वाला अनाज अब डीलरों के लिए गले की हड्डी बन गया। आरोप है कि सरकारी गोदामों से डीलरों को सड़े हुए चावल और गेहूं भेजे गए, जिसे राज्य और केंद्र की योजनाओं के तहत गरीबों में बांटा जाना था, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही इलाके के पूर्व विधायक ने प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। क्या यह चावल आदमी तो आदमी है, क्या जानवर खा सकते हैं? सरकारी अनाज को बांटने की जिम्मेदारी संभाल रहे डीलरों को भी इस लापरवाही ने मुश्किल में डाल दिया। न मालूम ये कहां से कुछ कुछ मिला कर लू दिया है। लोग कह रहा है सर ये हम कहां ले जाएंगे। अफ्रीकी देश डोमिनिका में आज पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के मामले में सुनवाई होगी, जहां पहुंचे भारतीय अधिकारी सबूत पेश करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मेहुल चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है। मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगा से डोमिनिका गए थे, जहां डोमिनिका पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मेहुल चोकसी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें वो अपनी चोट दिखाते हुए नजर आए। ब्रिटेन के देश वेल्स से
सांस अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच समंदर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही एक छोटी सी बच्ची को बचा लिया गया। बताया गया कि बच्ची अपने परिवार के साथ समंदर किनारे घूमने गई थी, लेकिन मस्ती करने का आइडिया इतना भारी पड़ा कि मजा ही सजा बन गया, क्योंकि बच्ची की छोटी सी नाव समंदर में बह गई और वो लहरों के बीच जा फंसी। तभी लाइफगार्ड की एक टीम उसे बचाने के लिए पानी में उतरी। तस्वीरें ऐसी कि नन्ही जान को अकेला समंदर में फंसा देख किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। बचाव कर्मियों को देखते ही बच्ची रो रो कर उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। वो मासूम इतनी बुरी तरह डरी हुई थी कि बचाए जाने के बाद भी उसके आंसू बहने नहीं रोके और वो लगातार मदद मांगती रही। बाद में बच्ची को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंप दिया गया। राजस्थान के कोटा से एक रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है। आरोपी की मां एक पति ने कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि हमले के बाद आरोपी पति घायल हालत में जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी को घसीटता हुआ गली में ले जा रहा था। इस बीच वहां आसपास के लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आरोपी पति को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस बीच घायल हालत में जमीन पर पड़ी महिला तड़पती रही। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया और आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ जुटी। इस मंजर को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। मामले की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। पति पत्नी का विवाद था, जिसमें पति ने जो है लड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। कारण क्या रहा कुछ सामने अभी तक? कारण इनका आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। पति पत्नी ने मोर्चरी में लगवा दी। जी, मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के एक ट्रक के नीचे आ गए। रफ्तार तेज होने की वजह से उनकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वो दोनों फिसलते हुए सीधा ट्रक के नीचे चले गए। इससे पहले वो ट्रक वहां से गुजरता दिखाई दिया। ट्रक को देख मोटरसाइकिल चला रहे लड़के ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल फिसल गई और वो सीधा ट्रक के नीचे आ गई। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने बिना वक्त गवाए ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से दोनों ट्रक के पहिए के नीचे आने से बच गए। इस बीच आसपास के कई लोग भी वहां पहुंच गए। बाद में दोनों लड़के भी ट्रक के नीचे से सही सलामत बाहर निकल आए। मध्य प्रदेश में एक सरकारी गाड़ी में कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने सफाई। ये वीडियो दो दिन पुराना बताया गया, जो राज्य के रायसेन जिले के एक गांव में बनाया गया, जिसमें तीन लोग एक सरकारी गाड़ी में बैठकर शराब पीते दिखे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पता चला कि गाड़ी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की है, जिसमें बैठकर तीन लोग मौज मस्ती करते नजर आए। जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन रायसेन में बारिश हुई थी और एक गांव वाले ने सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों की करतूत का वीडियो बना लिया था। उसने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से सवाल पूछने लगा, जिसके बाद उसने अपने सरकारी कर्मचारी होने की धौंस जमाई। मोटर बजाने की परमिशन? सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि बहस के बीच उसके बगल में बैठे शख्स का शराब पीने का वीडियो बन चुका है। उसने शराब का एक घूंट लेने के बाद बोतल पीछे की सीट पर बैठे आदमी को पकड़ा दी। हालांकि चोरी पकड़ी जाने पर इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई, उल्टा वो और हेकड़ी दिखाने लगे। गाड़ी चलाने वाला शख्स तो धमकाने वाले अंदाज में बात करते हुए वहां से जाने की कोशिश करने लगा। सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है? तुम अपना काम करो। ये देखते ही वीडियो बनाने वाले ने गाड़ी की चाबी घुमा दी, जिसके बाद सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि उन्होंने ये जताने की पूरी कोशिश की कि वो किसी से नहीं डरते और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। बंद कर गाड़ी पहले। भैया चाबी बंद कर गाड़ी। हाँ तो मत लगा देना गाड़ी में। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बताया कि ये गाड़ी उनकी है और गाड़ी में बैठा एक शख्स उनका चपरासी है, जिसे उसकी गलती की सजा दी जा चुकी है। हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। हालांकि बाकी के दो लोगों के बारे में प्रभुराम चौधरी को कुछ खास पता नहीं था। हरियाणा के नारनौल से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक तेल मिल में जबरदस्त आग से हड़कंप मचा। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मिल की इमारत से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई थी। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन कई मीटर ऊंची लपटों पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। बताया गया कि इस मिल में लाखों लीटर खाने का तेल रखा था, जिसके बाद आग पकड़ने का भी खतरा पैदा हो गया। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही रैंडम कोरोना टेस्ट भी शुरू हो गए।
वहां अनलॉक के पहले फेज में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट खोलने की अनुमति दी गई, जिसकी खबर मिलते ही आसपास के राज्यों से मजदूर दिल्ली पहुंचने लगे। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी, जिसका मतलब ये हुआ कि इन जगहों पर आने वाले लोगों का वहीं पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस काम में मोबाइल टेस्टिंग वैन भी लगाई गई, जिसमें बैठकर स्वास्थ्य कर्मी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहुंचे और वहां कैंप लगाकर मजदूरों की जांच शुरू कर दी। एक नहीं, ऐसी कई सारी मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचती है पूरी टीम के साथ, और इसी तरीके से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये मजदूर एक महीने के लॉकडाउन के बाद रोजी रोटी की तलाश में फिर से दिल्ली लौटे हैं। धीरे धीरे काम चालू हो रहा है, इसीलिए हम अपने काम पे आ गए। इन लोगों का दिल्ली पहुंचने पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों तरह का टेस्ट किया जा रहा है। दावा है पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। यूपी के बाराबंकी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां हुए एक तिलक समारोह में हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखा कि तिलक समारोह के समय एक लड़का खुलेआम वहां फायरिंग करता रहा। इस बीच वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की। हैरानी तो उस वक्त हुई जब वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी उसी समारोह में बैठे नजर आए, लेकिन उन्होंने भी इस फायरिंग को रोकने की कोशिश नहीं की। तो यूपी के बाराबंकी में यहां पर फायरिंग हुई है। आप देखिए तिलक समारोह में फायरिंग हुई है और वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे किसी ने भी उस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की। तो ये चौंकाने वाला मामला यूपी के बाराबंकी से सामने आया है। मध्य प्रदेश में एक सरकारी गाड़ी में कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने सफाई। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया, जो राज्य के रायसेन जिले के एक गांव में बनाया गया, जिसमें 3 लोग एक सरकारी गाड़ी में बैठकर शराब पीते दिखे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पता चला कि गाड़ी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की है, जिसमें बैठकर 3 लोग मौज मस्ती करते नजर आए। जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन रायसेन में बारिश हुई थी और एक गांव वाले ने सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों की करतूत का वीडियो बना लिया था। उसने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से सवाल पूछने लगा, जिसके बाद उसने अपने सरकारी कर्मचारी होने की धौंस जमाई। मोटर बजाने की परमिशन है? सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि बहस के बीच उसके बगल में बैठे शख्स का शराब पीने का वीडियो बन चुका है। उसने शराब का एक घूंट लेने के बाद बोतल पीछे की सीट पर बैठे आदमी को पकड़ा दी। हालांकि चोरी पकड़ी जाने पर इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई, उल्टा वो और हेकड़ी दिखाने लगे। गाड़ी चलाने वाला शख्स तो धमकाने वाले अंदाज में बात करते हुए वहां से जाने की कोशिश करने लगा। सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है, तुम अपना काम करो। ये देखते ही वीडियो बनाने वाले ने गाड़ी की चाबी घुमा दी, जिसके बाद सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि उन्होंने ये जताने की पूरी कोशिश की कि वो किसी से नहीं डरते और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। ओए, बंद कर गाड़ी पहले। भैया चाबी बंद कर गाड़ी। हाँ तो मत लगा देना गाड़ी में। हैं? अपने काम का। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बताया कि ये गाड़ी उनकी है और गाड़ी में बैठा एक शख्स उनका चपरासी है, जिसे उसकी गलती की सजा दी जा चुकी है। हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। हालांकि बाकी के 2 लोगों के बारे में प्रभुराम चौधरी को कुछ खास पता नहीं था। ब्रिटेन में तपती गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों का हुजूम समुद्री तट पर नजर आया। यहां आमतौर पर मई जून का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन इस बार ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके बाद भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में यहां के एक बीच पर छुट्टी के दिन ये लोग एक छोर से दूसरे छोर तक फैले नजर आए। समुद्र किनारे बैठे ये लोग गर्मी भगाने के लिए ठंडी हवाओं और समुद्र में उठती लहरों का आनंद उठाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां इलाके के कुछ दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी एक घर के अंदर से कुछ लोगों को पीटते हुए बाहर की तरफ लाते दिखाई दिए। मारपीट कर रहे इन लोगों ने घर की एक महिला को भी नहीं बख्शा। जमीन पर गिरी उस महिला पर दबंगों ने डंडों से वार किया। इस दौरान परिवार के कुछ लोगों ने उनका मुकाबला करने की कोशिश तो की, लेकिन डंडों की मार के सामने वो भी नहीं टिक पाए। काफी देर तक आरोपियों ने उस घर के बाहर डेरा जमाए रखा। 4-5 लोग आए, मारपीट की। बताया गया कि इस घटना में एक गर्भवती महिला समेत परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी।
इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम के बाद दोनों तरफ के बंधकों की रिहाई पर बातचीत शुरू हो गई है। बताया गया कि इस युद्ध विराम में मिस्र का योगदान है और इसी कड़ी में मिस्र के अधिकारी इसराइल के पीएम से बात करने के बाद हमास के अधिकारियों से बात करने गाजा पट्टी पहुंचेंगे, जहां उनकी गाड़ी एक होटल के बाहर रुकी और कड़ी सुरक्षा के बीच मिस्र के अधिकारी अब्बास कामिल होटल के अंदर चले गए। इस मुलाकात के बाद हमास के अधिकारियों ने कैदियों की रिहाई पर इसराइल के साथ बातचीत की ख्वाहिश जताई। इससे पहले इसराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी कम करते हुए वहां राहत बचाव का सामान ले जाने वाली गाड़ियों को घुसने की मंजूरी दी थी। गुजरात से केसर आम की खेप इटली भेजी गई। गुजरात के मशहूर केसर आम की इटली में भी काफी मांग है, लेकिन पिछले दिनों आए टाउटे तूफान की वजह से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में किसानों के सामने केसर आम की मांग को पूरा करना बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन फिर भी राज्य से केसर आम की 500 टन की एक खेप इटली भेज दी गई। किसानों के लिए, बागायतों के लिए वो अच्छी और खुश खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में शर्तों के साथ दुकानें खुल गईं, जबकि उन 11 जिलों में कोई ढील नहीं दी गई जहां कोरोना के मरीज अभी ज्यादा हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में राहत देते हुए वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी, जिसके बाद बाजारों की रौनक लौट आई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें दोबारा सजा ली। हालांकि पहले के मुकाबले बाजारों में भीड़ कम दिखाई दी। मार्केट है वो खुल रही है, रेड़ी पटरी वाले देखिए खुल गई, और आपको बाजारों में पूरा चहल पहल दिखाई देगा, लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। काम पर लौटे व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि धीरे धीरे उनके आर्थिक हालात सुधरने लगेंगे। 100-200-500 जो भी कमाएंगे घर गृहस्थी का खर्चा तो चलेगा, वरना अभी तक तो घर गृहस्थी खर्चा भारी समझ लीजिए। इस बीच प्रशासन ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही खरीदारी करने की अपील की। लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके प्रोटोकॉल का फॉलो करें। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने लूटपाट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग सड़क किनारे चल रही महिलाओं की चेन छीन लेते थे। 2 स्नैच गोल्ड चेन रिकवर हो गई और एक मोटरसाइकिल इसके चोरी की रिकवर हुई है। उज्जैन में इन दिनों महाकाल मंदिर के विस्तार का काम जारी है। इस दौरान वहाँ खुदाई में 1000 साल पुराने एक मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस से 12 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद वहां अब तक इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई। यही नहीं, ब्लैक फंगस के 26 नए मरीज भी सामने आए। अमेरिका के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों की याद में मेमोरियल डे मनाया गया, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वो वर्जीनिया में सैनिकों के लिए बनाए गए एक समाधि स्थल पर पहुंची। वहां उन्होंने अमेरिका की सेवा करते हुए अपनी जान न्योछावर करने वाले जवानों की कब्रों पर फूलों की माला चढ़ाई और उन्हें सलामी दी। जो बाइडेन ने उनकी शहादत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका में हर साल मई महीने के आखिरी सोमवार को मेमोरियल डे मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में आई भयानक बाढ़ की वजह से वहां इमरजेंसी लगा दी गई। हालांकि बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, लेकिन 3 दिन में हुई मूसलाधार 16 इंच बारिश ने वहां के कैंटरबरी इलाके को बर्बाद कर दिया, जिसकी सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ बाढ़ का गंदा पानी ही नजर आया। नदी, मैदान, खेत खलिहान, सड़कें सब एक बराबर दिखा। कलकल बहने वाली नदी का पानी चिंघाड़ते हुए हर दायरा तोड़कर ऐसे आगे बढ़ा कि एक इलाके में तो सड़क धस गई और उसमें एक तरह से खाई बनी नजर आई। एक अहम पुल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। पानी घरों में न घुसे इसके लिए उनकी एंट्री पर रेत की बोरियां रख दी गईं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मकान समंदर से घिरे किसी टापू की तरह नजर आए। सामने आई एक तस्वीर में एक कार तो नदी किनारे लगे पेड़ों के बीच औंधे मुंह बुरी तरह फंसी दिखी। बाढ़ से मकानों, इमारतों और लोगों को ज्यादा नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन उसने किसानों की मेहनत पर पानी जरूर फेर दिया। खेतों में खड़ी उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बाढ़ से नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। कैंटरबरी इलाके को बर्बाद देखकर वो दंग रह गईं और उन्होंने इसे न्यूजीलैंड के इतिहास में 100 साल की सबसे खतरनाक बाढ़ बताया।